स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं अमुक्त परिवार के क्लब में, जहां पे तमाम छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग और कुछ पदाधिकारीगण हैं, जहां पर 135वां बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी तमाम चुनौतियों को सहते हुए अपना एक परिचय का परचम और ज्ञान का लोहा जो आज विश्व को मनवाया है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी चीज़ों को और तथ्य को स्पष्ट जानने के लिए आइए हम इस हॉल में प्रवेश करते हैं और आपसे आप सभी से उनको रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद। सबै हाम्रो मुख्य अतिथिहरूलाई आसन रणनीति दिने म अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सारैजनाको मैं नमन करते हुए मैं जाने प्रसाद आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जन्म प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामाजी मालाजी संपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता के 14वीं संतान के रूप में जन्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति यानी स्वीप वर्ग में हुआ था, जिसे लोग अछूत और देवभर निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप में गहरा भेदभाव किया जाता था और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में मऊ छावनी के सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1894 में भीमराव अम्बेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए। मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो हमें बताइए कि आज ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म जयंती पे आप लोगों का क्या है, समारोह क्या है, उस पर थोड़ा एक बार प्रकाश डालिए। हम लोग पहली बार आपका शुभ नाम? हमारा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन निराला। आपका स्वागत है, बताइए। हम परिवार इस दफे पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहा है। जो समारोह छोटा हुआ, आगे आशा है हम लोग विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर उन छात्रा छात्राओं को भारत के संविधान के बारे में अवगत कराएंगे। कितने वर्षों से आप लोग ये अमुक्त परिवार के छत्र छाया में इस तरह का कार्य को कर रहे हैं आप? हम लोग का क्लब तो 1986 साल से ही है, लेकिन इस बार प्रथम बार हम लोग 132वां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती मनाने का कार्य शुरू किए हैं और भविष्य में प्रत्येक वर्ष ही हम लोग इसको मनाएंगे और बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छा रूप से, भव्य रूप से मनाने का आने वाला समय में चेष्टा करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अनिल प्रसाद, अनिल कुमार प्रसाद है, मैं एक शिक्षक हूँ। धन्यवाद। आप हमें बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम से हमारे भविष्य को, बच्चों को क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था करने के लिए। हम लोग का मैं अमुक्त परिवार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपका स्वागत है। आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप छेत्री है। 1986 में ये स्थापित हुआ था अंडर दी सोशल एक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इन हम लोग का अमुक्त परिवार का थोड़ा आपको बता देंगे कि हम लोग सोशल वर्क में, अगर मानिएगा तो नॉर्थ बंगाल में पहले पंक्ति में लगते हैं, हम लोग नहीं बोलते। तामाङ अमुक्त परिवार को सेक्रेटरी र हामीले प्रथमपल्ट अम्बेडकरको जन्मदिन हामी मनाउन गइरहेको छौँ र यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा गर्वको कुरा हो। हामीले अम्बेडकरको जन्म जयन्ती मनाउनु पहिल्यैदेखि सुरु गर्नुपर्ने छ र हामीले ढिलो भयो तर पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो आज यस्तो महान व्यक्तिको जन्मदिन मनाउँदाखेरि हामी
एकदमै गर्वित छौँ, खुसी छौँ। र साँच्चै नै भनौँ भनेदेखि हाम्रो बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकरको उहाँले जुन चाहिँ संविधान लिएको छ त्यो संविधान आधारमै हामीले देश बनिरहेको छ र हामीले उहाँलाई एकदम सलाम गर्नुपर्छ। र उहाँले यति हो मरेर गए पनि उहाँले भारत रत्नको जुन सम्मान पायो त्यो पनि गर्व हो र त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। र आज डाक्टर अम्बेडकर को हो भन्ने कुरा हाम्रो सबैले भारतको नागरिकलाई बताइयो। मेरो नाम राजु कृष्णा र मैले जुन प्रकारको वक्तव्य राखेँ नेपाली बोलेर हजुर बोल्नु जुन प्रकारको वक्तव्य राखेँ मेरो खास उद्देश्य के हो भने आज हाम्रो महान चाड त झन् पहिलो वैशाख त छँदैछ त्यसलाई पनि हामीले आज त्यागेर त्यो फङ्सन हुनुपर्ने त्यसलाई पनि त्यागेर आज हामी महान एकजना अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जसले चाहिँ भारतवर्षको यति ठुलो देशलाई सञ्चालन गर्ने संविधान बनाउनु भयो उहाँलाई हामीले सम्मान दिनौँ। हाम्रो आफ्नो परिवारले अहिलेसम्म गरेको थिएन मेरो मनमा सधैँ खसी बस्थ्यो किन चाहिँ यो भएन महान हुनुपर्छ उसको भन्ने कुरो र उहाँले जुन प्रकारले हाम्रो संविधान मात्र बनाएनन् तर उहाँले जुन प्रकारको अपमान सहे यो समाजको अपमान सहेर जुन साहस लिएर आज सारा भारतवर्षलाई चाहिँ चलाउने जुन एउटा साहस मानवता लिएर उसले काम गरे यसैको लागि चाहिँ म प्रत्येक नानीहरूलाई पनि स्कुलमा पनि एउटा सब्जेक्ट चाहिँ अम्बेडकरको विषयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरो म चाहिँ राख्छु। र प्रत्येक नानीले आज सोच्छ अम्बेडकर को हो को चिन्दैन र त्यो नानीहरूलाई परिचय गराउनुको लागि अम्बेडकरको विषयमा सुनाउनुको लागि जसले यति ठुलो काम गरेर आज भारतवर्षलाई सञ्चालन भइरहेको छ त्यही काम गर्ने मान्छेको परिचय हाम्रो प्रत्येक नानीहरूमा छैन। यसैलाई सञ्चालन अघि बढाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले प्रत्येक स्कुलमा एउटा सब्जेक्ट चाहिँ अम्बेडकरको विषयमा होस्। यति मात्रै अम्बेडकरको विषय मात्रै होइन यस्ता महान व्यक्ति अरू पनि छन् हामीले त्यसले जानेको छौँ न होइन प्रत्येकले कोही केमा यस्तोहरू छन् र यस्तोमा चाहिँ तर विशेष गरिकन अम्बेडकर चाहिँ अब भारतवर्षलाई सञ्चालन गर्ने अम्बेडकरको विषयमा चाहिँ स्कुलमा पनि एउटा सब्जेक्ट होस् भन्ने चाहिँ के हम लोग आए हैं यहां पे क्या नाम है आपका किस क्लास में पढ़ते हैं बड़ा होके क्या बनने का आपका लक्ष्य है आई एम प्राउड ऑफ यू डेफिनेटली आप बनोगे। चलिए आप अपने दीदी के लिए बिग हैंड्स दीजिए। भीमराव अंबेडकर जी क्या किए थे हमको कौन बताएगा बोलो बोलिए नहीं आप नहीं आप छोड़ के आप बताइए कौन बताएगा हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था। हाँ यस यस कमन क्या नाम है आपका युवराज तो बताइए युवराज की बाबा ओ ग्रेट आई एम प्राउड ऑफ यू सो एनीथिंग मोर यू नो अबाउट हिम ओके सो व्हाट यू वांट टू बिकम इन द कमिंग फ्यूचर आपका एम्बिशन क्या है आई एम प्राउड ऑफ यू इन विच क्लास डू यू रीड इन ग्रेट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अम्बेडकरको जन्म जयन्तीमा तिनले नै आज जुन चाहिँ उसलाई एकदम अवहेलना गरेको है यो जातिपाति भनेर यस्तो रिस उठेर आउँछ कि मलाई त म त सानैदेखि यो जातिपातिको चाहिँ अलिक विरोधी नै थिएँ त अन्त घरमा त हामी छँदैछौँ हाम्रो संस्कार घरमा छँदैछ अन्त त्यो फरक अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि जातभातले गर्दाखेरि धेरै हाम्रो मनमा के छ यसलाई आज के जात हो त्यो मान्छे त यस्तो भन्यो भने अलिकति सानो जातको भन्यो के कति पढेको छ उसले के गर्नु सक्छ त्यो चाहिँ हामीलाई आउँदैन त्यो चाहिँ हामीलाई आउँदैन यो जाति प्रथा त्यो जाति प्रथा कसले गर्दाखेरि यो राजा होइन राजाले गर्दाखेरि म त त्यति बेला त्यो राजा भएको बेला म भाग एकदम भयो त्यो कुरो चाहिँ त्यति नै रहेछ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के किए हुए कार्यों के बारे में एक कविता के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। 64 विषय में पारंगत धर्मशास्त्र समाजशास्त्र और मानव विज्ञान एक साहब जन्मे थे जिन्होंने किया देश का उत्कृष्ट उत्थान पूर्ण विवाह संपत्ति में अधिकार समान अमीर गरीब आदिवासी पिछड़े दलितों को दिलाया समान वोट का स्वाभिमान भिन्न भाषाएं अभिन्न राज्य अनेक संस्कृति और सभी धर्मों को दिया स्थान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में सौंपा हम भारत के लोगों को विश्व विस्तृत लिखित संविधान एक साहब जन्मे थे जिन्होंने किया देश का उत्कृष्ट उत्थान आर्थिक समृद्धि राष्ट्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अखबार पत्रिका 25 से ज्यादा
न्याय मंत्री व स्वतंत्र चुनाव सुंदर